हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे हरी सब्जी हरा साग खाने में पीछे होते हैं और वो नहीं खाते हैं तो आप फ्रेंड्स ये साग बना कर देखिए। यह मैं आज पालक का साग बनाऊंगी और ये बहुत ही हेल्दी है, खास बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने आधा किलो पालक ली है फ्रेश एकदम, और इस तरह से इसमें सोया भी है थोड़ा सा, और सोया से हमारा साग और भी यमी बनता है। पालक हमें ज़रूर खानी चाहिए। पालक को आप किसी भी तरीके से खाएंगे, पालक का पूरा भरपूर इसका जो लाभ मिलता है पूरा। और देखिए मैंने पूरी आधा किलो पालक ली है, और मैंने यहाँ पे हरी धनिया और दो टमाटर, हरी मिर्च स्वाद अनुसार जो आपको टेस्ट इतना चाहिए, और मैंने बैंगन लिया है। बैंगन आप स्किप भी कर सकते हैं, और मैंने दो प्याज और पूरा एक लहसुन लिया है। आप लहसुन स्किप कर सकते हैं इसमें, लेकिन आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन ज़रूर डालें, इसका स्वाद बढ़ेगा। मैंने देखिए पालक को रफली चॉप किया है और उसे मैंने साफ पानी से 3 से 4 बार वॉश कर दिया है, और इसकी मिट्टी सारी निकल चुकी है। इस तरह से आप पालक को धोकर छन्नी में छान लीजिए, इसका पानी निकल जाए। और पालक की डंडी अगर सॉफ्ट है तो इसे हटाएं नहीं। हमने मेरा बैंगन बड़ा था, मैंने आधा काटा है, उसको भी रफली मैंने चॉप कर लिया है। प्याज भी मैंने रफली चॉप की है, और चिली और इस तरह से महीन धनिया काट के रखी है। पूरा एक लहसुन मैंने छीला है, ये भी इसी तरीके से रखना है। और टमाटर भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा है। और हमारा कढ़ाई में तेल मैंने 2 टीस्पून डाला है, और इसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। गर्म होते ही मैंने इसमें मेथी दाना और हरी मिर्च मैंने तड़का लगाया है। फिर हम मैं लहसुन डालूंगी, इसमें साबुत लहसुन डालेंगे, काटेंगे नहीं इसे। और इस तरह से इसको सौते करना है, इसको रेड नहीं करना है। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे, हमारे जो प्याज मोटे मोटे कटे हुए हैं इन्हें भी हम ट्रांसपेरेंट होने तक ही ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। और जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगे तब हम इसमें इस तरह से तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को भी हमें कोई गलाना नहीं है, इसमें हमें कुछ भी इतना करना नहीं पड़ता है। और हम इसमें तुरंत ही बैंगन भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे। बैंगन डालने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे। और आप देखिए मैंने हल्दी इसमें 1 टीस्पून डाली है, जिससे कि हमारी जो पालक है ग्रीन होती है उसमें हल्दी पता नहीं चलती है। थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, और नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमारा साग देखने में ज़्यादा लगता है पर बाद में वो आधा हो जाता है, इसलिए आप नमक 1 टीस्पून ही डालें। और हम सारा साग इस तरह से डाल देंगे, और इस तरह से इसको डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों हम 5 मिनट बाद फिर देखेंगे, और हमारा साग इस तरह से गल चुका है, और हमारा साग देखिए कितना कम हो गया है। इसलिए नमक की क्वांटिटी इसी अकॉर्डिंग डालिए, अगर नमक ज़्यादा हो गया तो हमारा साग एकदम अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह से इसको बराबर मैश करते हुए ही चलाना है, इसको मैश करते रहना है। और हम फिर से इसको मीडियम आंच पे करके इसको ढक कर रख देंगे, और फिर से हम देखेंगे तो हमारा साग और हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो मैक्सिमम ही गल चुकी हैं। और साग को अच्छे से मैश करेंगे, इस तरह से आप मैश करिए, और अच्छे से ये मैश हो जाए तो स्मूथ एकदम बन जाएगा। और बैंगन डालने से ही इसमें जो स्मूथ इसका जो साग का होता है बहुत अच्छा रहता है। और इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चपाती, मक्के की रोटी के साथ या राइस के साथ आप इसको खाएंगे तो बहुत यम्मी लगता है। आप एक बार इस साग को ज़रूर बनाएं और बनाकर हमें बताएं कि आपको ये साग कैसा लगा। और ये बहुत ही स्वाद से भरा रहता है, और जब ये हमारा तैयार हो जाए हम इसमें धनिया से गार्निश कर देंगे। और थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।